जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन के समय में लोगों से घरों और दुकानों का किराया न लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा की काशीपुर नगर निगम मेयर अपनी तानाशाही दिखाने से पीछे नहीं हट रही है, जिन्हें प्रधानमंत्री के आदेशों का जरा भी सरोकार नहीं है। यही कारण है कि निगम के नगर आयुक्त द्वारा तय बाजार शुल्क न लिए जाने के आदेश करने के बाद भी अपनी तानाशाही का परिचय देते हुए नगर निगम मेयर ने तय बाजार शुल्क गरीब ठेले और फल वालों से लेने शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस का दंश यदि सबसे ज्यादा किसी को पड़ा है तो वह गरीब मजदूर और रोज कमाने और अपने घर का पालन पोषण करने वालों पर पड़ा है, जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन काशीपुर की नगर निगम मेयर को सरकार के आदेशों का जरा भी ख्याल नहीं है, जिन्होंने निगम की जेब भरने के लिए तानाशाह रवैये को अपनाना शुरू कर दिया है। काशीपुर नगर निगम मेयर को मानो गरीब ठेला और फल व्यापारियों की जरा भी चिंता नहीं है। बता दें कि काशीपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभात साहनी ने विगत दिनों नगर निगम के नगर आयुक्त से ठेला और फल व्यापारियों से तय बाजारी शुल्क न लिए जाने की मांग की थी। व्यापार मंडल की मांग को जायज देखते हुए नगर आयुक्त द्वारा शुल्क न लिए जाने के आदेश सहायक नगर आयुक्त को कर दिए गए थे, लेकिन इसकी भनक लगते ही काशीपुर नगर निगम की मेयर उषा चौधरी ने अपना तानाशाह रवैया अपनाते हुए नगर आयुक्त के आदेशों को खारिज कर दिया और तय बाजारी शुल्क लिए जाने को लेकर नए आदेश जारी कर दिए। व्यापार मंडल अध्यक्ष की माने तो यदि जल्द ही तय बाजारी शुल्क को माफ नहीं किया गया तो नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन और विरोध के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ये रोज की हमारी दुकानदारी हमारी होने रही साहब, क्या करा जाए, गरीब आदमी हम वैसे ही हैं। अगर आप बात हम तो यही करता जे जे काम करते हैं बस, और कोई काम नहीं है हमारा। हाँ सुन लेके जा रहे, देखो आपको दिखाया पहले भी बाबूजी मेरी बहुत सारी रखी हैं और अब की भी देखो आपको दिखाया मैंने। अभी नहीं हो रहे हैं ऐसे 100-200 की हो जाए, खर्चा भी हमारा पूरा नहीं हो रही, हम क्या करा जाए। और वो पर्ची पहले ले जाके नहीं नहीं मासूल पहले दो, हमें मासूल पहले दो, क्या खर्चा होगा हमारा, कुछ खर्चा नहीं होता है साहब। बतला तो दिया आपको, बहुत बहुत हो गई, 200 की हो गई बाबूजी, 200 की हो गई, 150 की हो गई, बस ये है बस। क्या नाम है आपका? राम मूर्ति। छोटे छोटे व्यापारी जो फड़ और ठेले वाले हैं वो हम लोगों के पास आए कि साहब हम 2 महीने से परेशान हैं, हमारी रोजी रोटी पे संकट छाया हुआ है और आप चल के MNA साहब से बात करें कि हमारा जो तय बाजारी शुल्क है वो माफ़ हो। हम MNA साहब के पास पहुँचे, उन्होंने तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हुए तय बाजारी शुल्क माफ़ कर दिया, लेकिन अगले दिन ही मेयर साहिबा ने उस पर एक ऑब्जेक्शन कर दिया कि यह तय बाजारी शुल्क लिया जाएगा क्योंकि इससे नगर निगम को कुछ आय होती है और ये बोर्ड की मीटिंग में पास होगा। हम लोगों ने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपके 2-4 हज़ार रुपये जो आ रहे हैं उससे कोई इतना बड़ा प्रॉफिट तो होना नहीं है, और COVID-19 के समय में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कह रखा है कि आप किसी से कोई किराया वसूल नहीं करेंगे तो क्या नगर निगम उस क्षेत्र में नहीं आता है? अगले हमारे को कुछ जो क्षेत्रीय पार्टी हैं हमारी, एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन लोगों की तरफ से हमें समर्थन मिल रहा है। अगर ये मेयर साहिबा इस तय बाजारी शुल्क को माफ़ नहीं करती हैं तो इसके आगे के लिए कोई ना कोई धरना प्रदर्शन या ऐसे कुछ चीज़ करे जाएंगे जिससे व्यापारियों का हित हो। रहा था कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई उसमें हमने स्वतः ही जो तय बाजारी थी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन हमारे यहाँ से तकरीबन 200-250 ठेले भी चलते रहे जिनको कि विधिवत रूप से नगर निगम से परमिशन मिली थी, उसके बाद भी हमने कोई तय बाजारी उनसे नहीं ली। लेकिन जब इसके बाद 4 मार्च से जब लॉकडाउन की तकरीबन ये हो गया कि सभी दुकानें खुलेंगी, सभी ठेले भी चली रहे थे, सब ठेलों को भी परमिशन मिल गई, तो ये वसूली शुरू हुई क्योंकि आगे आने वाले समय में काम भी होने हैं, सब काम होने हैं। तो एक ये नियम है कि भाई तय बाजारी जो यहाँ ठेले वाले हैं उनसे ली जानी है और विधियाँ हैं इसकी। मैं चाहती हूँ जहाँ तक आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेते हैं हम सब उनका सम्मान करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या GST पर हम लोग नहीं दे रहे, इतनी विषम पर GST भी का भी दे रहे हैं, आपका डीजल और पेट्रोल पे वैट लग रहा है वो भी दे रहे हैं। कुछ ऐसी आवश्यक चीजें होती हैं जिन पर कि हम निरंतर उनको ले रहे हैं, 2 महीने के बाद ये अब सब अपना बहुत बेहतर तरीके से सब काम कर रहे हैं, पूरे मार्केट में पूरी गलियों में हर जगह से ठेले जा रहे हैं। उसका एक नियम होता है, हमें इसमें भी एतराज नहीं।